गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 11C। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज अ पॉइंट, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड टी इज अ पॉइंट लाई ऑन अ बाउंड्री, which of the following are true statements? तो आपको इसके लिए एक ट्राइंगल बनाना है, तो वी मेक वन ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड अ पॉइंट टी लाई ऑन द बाउंड्री, वी जॉइन टी बाय एक्स, हम इसको टी को क्या करते हैं एक्स से मिला देते हैं, ठीक है। अब आपको ये स्टेटमेंट्स बतानी है, दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट एक्स वाई प्लस वाई टी इज ग्रेटर देन एक्स टी। एक्स वाई क्या है बच्चों, एक्स वाई प्लस वाई टी, दे आर टू साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल एक्स वाई टी, इट इज़ अ ट्राइंगल नाउ, एक्स वाई प्लस वाई टी इज ग्रेटर देन एक्स टी, येस और नो, इट इज़ पॉसिबल, सो इट इज़ ट्रू, क्योंकि ट्राइंगल में क्या होता है बच्चों, सम ऑफ टू साइड्स आर ग्रेटर देन द थर्ड साइड, क्लियर। नाउ बी टी वाई, टी वाई प्लस वाई जेड, टी वाई प्लस वाई जेड पूरा मिलाकर इसको और इसको पार्ट को ऐड करेंगे तो इट इज़ ग्रेटर देन टी जेड, येस और नो, येस, अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये टी जेड से क्या होगा, ग्रेटर होगा, इट मीन्स इट इज़ ट्रू। नाउ टी जेड, टी जेड प्लस टी वाई इज़ ग्रेटर देन वाई जेड, नो, ये तो इसके इक्वल आ जाएगा, सो इट इज़ फॉल्स। नाउ एक्स जेड माइनस वाई जेड, यानी कि इस वाली साइड में से इस वाली साइड को माइनस करेंगे तो ग्रेटर देन एक्स वाई, नो, वट इज़ द प्रॉपर्टी, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड, तो यहाँ लेस देन होता तो चल सकता था, तो इट इज़ फॉल्स। नाउ वाई जेड, वाई जेड माइनस वाई टी इज ग्रेटर देन एक्स जेड, नो, अगर इनका डिफरेंस है तो ये इस वाली साइड से बड़ा नहीं होगा, तो सो इट इज़ फॉल्स। नाउ टी जेड, टी जेड प्लस वाई जेड, यानी कि टी जेड प्लस वाई जेड इज ग्रेटर देन टी वाई, येस, इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। देखिए ये टी जेड है, इसको आप वाई जेड में दोनों यानी कि इतना पार्ट और ये पूरा पार्ट ऐड करेंगे तो ये टी वाई से ज़्यादा होगा या नहीं होगा, येस, इट इज़ ग्रेटर देन टी वाई, सो इट इज़ ट्रू, क्लियर एवरीवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और मैंने कल करा दिया था आपको, स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। पहले हम ये टू साइड्स ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन सी ए होना चाहिए, तो आप इसको चेक करिए, 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 इज ग्रेटर देन सी ए, नॉट ग्रेटर देन सी ए, तो इट इज़ पॉसिबल, नो, आप लिखेंगे नो, दिस ट्राइंगल इज नॉट टू बी पॉसिबल, क्लियर।
नाउ सी पार्ट, एक्स वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, वाई जेड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जेड एक्स इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. फर्स्ट वी राइट एक्स वाई प्लस वाई जेड इज ग्रेटर देन जेड एक्स. तो आप एक्स वाई का वैल्यू लिखिए 6 प्लस 7, इट इज नॉट ग्रेटर देन द 15. आप क्या लिखेंगे, थर्ड साइड इज नॉट सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो इट इज नॉट पॉसिबल. ऐसे ही बच्चों इसमें भी लिखेंगे, इसमें भी क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू साइड्स is not greater than the third side, so it is not possible. ये part A है, ये C है, it is the C part. Clear? Now F part. MN is equal to 3 centimeter, NO is equal to 5 centimeter, OM is equal to 7 centimeter. First we add first two sides, it means MN plus NO is greater than OM. MN kya hona chahiye, 3 plus 5 it is 7. So ये क्या है, ये हमारा ठीक है. अब आप ये दो साइड्स प्लस करिए, एन ओ प्लस ओ एम इज ग्रेटर देन एम एन. एन ओ का वैल्यू कितना है, 5 प्लस 7 इज ग्रेटर देन 3, सो इट इज पॉसिबल. नाउ वी ऐड 7 एंड 3, यानी कि एम एन प्लस ओ एम इज ग्रेटर देन एन ओ. एम एन 3 प्लस 7 इज एन ओ इज इक्वल टू 5, 10 इज ग्रेटर देन 5. अगर बच्चों हमारा फर्स्ट टू साइड्स ग्रेटर देन आती हैं थर्ड, तो हम पूरा करके देखते हैं इसको. अगर सभी में ये ठीक आता है, इट मीन्स इन दिस मेजरमेंट्स sum of two sides is greater than third side, so this triangle to be possible. कभी कभी बच्चों ये क्या होता है, ग्रेटर देन भी नहीं ग्रेटर देन भी नहीं आता है, लेस देन भी नहीं आता है, इज इक्वल आता है. अगर इक्वल भी आता है तो भी ट्राइंगल हमारा पॉसिबल नहीं होता है. तो हम क्या लिखते हैं उसमें, सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो इट इज़ नॉट टू बी पॉसिबल. अगर ये तीनों टाइम्स में हमारे पास टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है, तभी हम कह सकते हैं दिस ट्राइंगल टू बी possible. Clear?